मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो हाउ वी लुक अट्रैक्टिव इन शलवार कमीज। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो पर्सनैलिटी आपको शलवार कमीज देती है ना, वो एक थ्री पीस सूट भी नहीं दे सकता। मेरी इस बात से बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन आप लोगों ने एक बात नोट की है, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर है, मैं तो उन्हें अभी प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे बात करना जरूरी नहीं है, पॉलिटिक्स की बात कर ही नहीं रहे। एनीवेज, मैंने उन्हें 100 में से 99% शलवार कमीज में देखा है, और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पूरी दुनिया बोलती है कि मोस्ट हैंडसम प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड इज इमरान खान। एनीवेज, शलवार कमीज में अच्छे दिखने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपके कपड़े किसी अच्छे टेलर से सिले हो। दूसरा, जब आप टेलर को अपना साइज दे रहे हो तो आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। उनमें से पहली चीज ये है कि जो आपका ये कॉलर है, बैन कह लो, कॉलर कह लो, ना ही आपने ज्यादा बड़ा रखवाना है, ना ही बहुत पतला, नॉर्मल, जो जितना मेरा आप देख रहे हो कि इतना बिल्कुल परफेक्ट लगता है, और ना ज्यादा तंग करवाना है और ना ही ज्यादा खुला। कुछ लोगों ने बहुत तंग करा लेते हैं, सांस भी नहीं आ रहा होता, कुछ लोग बिल्कुल ही खुला छोड़ देते हैं, तो वो फिटिंग अच्छी नहीं लगती। सेकंड, आप लोगों ने शोल्डर्स ना यार ज्यादा लंबे होने चाहिए, मतलब फिर आप झले झले लगोगे, ना ही फुल तंग, फिर आप बहुत तंग लगोगे। तो बस आप लोगों ने परफेक्ट, जो आपके शोल्डर पे देखो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि परफेक्ट शोल्डर यार आपने, यार बस मेन चीज है कि आप लोगों ने अपना नाप अच्छा सा देना है। एंड थर्ड, कुछ लोग बहुत स्लिम फिटिंग में अपना जो है शलवार कमीज सिलवाते हैं, ये नहीं करना। या जो बहुत ऐसे ना, फिर आप पता है लोग आपको कहेंगे तेरी पतली कमर हो एमजी, ये नहीं करना आप लोगों ने। देखो अब मैं आप लोगों को फिट लग रहा हूँ, लेकिन मेरा शलवार कमीज खुला है, तंग तो नहीं कह सकते इसको। अब आपका शलवार कमीज सिल चुका है और अब आप लोगों ने पहनना है, तो पहनते वक्त कुछ चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज, अच्छे से इस्त्री करो पहले, उसके बाद पहनो। ये मैं शलवार कमीज के लिए नहीं कह रहा, आपने जो भी पहनना होता है सबसे पहले यार अच्छा सा प्रेस करो, उसके बाद आप लोगों ने पहनना है। अब आपने इस्त्री करके पहन लिया, अब और ऐसा क्या करें कि और अट्रैक्टिव और स्टाइलिश दिखे? यार अपने कफ ऊपर कर लो, इससे इंसान थोड़ा सा ना मस्कुलर दिखता है। वॉच और थोड़ी बहुत एक्सेसरीज ऐड कर लो। अब लास्ट और मेन चीज कि भाई जूतों में क्या पहने, आप खेड़ी भी पहन सकते हो, पिशावरी चप्पल, आप सैंडल्स भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन सैंडल्स वो वाले नहीं जो पेंट शर्ट के नीचे हम बचपन में पहनते थे, वो बुरे लगेंगे। आप लोफर्स पहन सकते हो, आप फॉर्मल शूज पहन सकते हो, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, कलर कॉम्बिनेशन का। जैसे अभी मैंने पहना है हेल ग्रे नेवी, ठीक है, मतलब ये ग्रे और नेवी का मिक्स है, तो इसके नीचे ब्राउन शूज अच्छे लगेंगे बनिस्बतन ब्लैक के। बस यार इन कुछ चीजों का आप लोग ख्याल रखोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की पर्सनैलिटी इंतहाई ग्रूम लगेगी, एक वेल ड्रेस्ड, एक आप चलते हुए आ रहे हो कि पता चलेगा कि यार एक इंसान चलता हुआ आ रहा है। ओके यार मुझे दो आप लोग इजाजत, और इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रहा करो, जो आप लोगों को पूछना होता है इंशाल्लाह इस तरह वीडियो बना के आप लोगों को बताया करूंगा। बाकी आई लव यू ऑल, अल्लाह।